आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। 2022 चुनावों से पहले सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और जनता को साधने की कवायद में जुट गए हैं। वहीं पार्टियों और बयानों का खेला इस वक्त जारी है, तो कहीं पर जनसभाओं और कार्यक्रमों से पार्टियां अपना जनाधार साबित करने की भी कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा की तरफ से भी एक खास कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। प्राइम टीवी की खास रिपोर्ट देखिए। चुनावों से पहले तैयारियां हुई तेज, मऊ में जनसंवाद कार्यक्रम का आगाज, वोटरों को साधने में जुटे नेता। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियां वोटरों को साधने के लिए जगह जगह रैलियों और जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। और इसी कड़ी में मऊ में भाजपा के जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन 4 जनवरी को दोहरी घाट विक्ट्री इंटर कॉलेज के मैदान में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश उत्पल राय ने किया है और इस कार्यक्रम में भाजपा विधान परिषद उपाध्यक्ष AK शर्मा बतौर अतिथि मौजूद रहेंगे। और इस जनसभा में कार्यक्रम के संयोजक ने लोगों से जुड़ने और सभा को सफल बनाने की अपील की है। दिन मंगलवार को AK शर्मा जी, जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, पूर्व IAS हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे, वो जनसंवाद करने दोहरीघाट विक्ट्री कॉलेज के मैदान में आ रहे हैं। चूंकि 4 जनवरी को ही कल्पनाथ राय जी का जयंती है, मऊ जनपद में जो आज जिला है उनकी वजह है और उनकी जयंती है, इस अवसर को उन्होंने चुना। चूंकि विगत 22 वर्षों से मऊ जनपद विकास के लिए करा रहा था, रोड हो, सड़क हो, शुद्ध रूप से अगर हम कहें तो जो कल्पनाथ राय जी ने मऊ जनपद में कार्य कराया, उस कार को चूना पोती पुताई मेंटेनेंस तक अन्य लोग नहीं करा पाए। इस वजह से फिर ऐसा एक समय आया, चाहे 22 वर्ष लग गए, अब उन्हीं के रूप में विकास पुरुष जो पूर्वांचल, पूरा पूर्वांचल विकास के नाम पर AK शर्मा को देख रहा है, AK शर्मा जी उसी तरफ बढ़ चढ़ कर कार्य कर रहे हैं। बता दें कि उत्पल राय को बचपन से ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक पिता डॉक्टर राम कमल राय का मार्गदर्शन मिला। साहित्यकार एवं समाजवादी डॉक्टर राय से प्रभावित उनके इस पुत्र ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में अलग मुकाम स्थापित किया। छात्र संघ उपाध्यक्ष रहते हुए वो समाजवादी युग जन सभा के राष्ट्रीय महासचिव बने। वहीं साल 2002 में उत्पल राय नथुपुर क्षेत्र से सपा प्रत्याशी बने। उत्पल राय मामूली मतों से पराजित हुए, लेकिन अपना तेवर बरकरार रखा। यही वजह रही कि वर्ष 2007 में जब वो सपा से अलग हुए तो वो बसपा के खेवनहार बने और उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला। लेकिन सिद्धांतों और नियमों पर टिके रहने वाले उत्पल राय ने कांग्रेस और फिर अब BJP के कार्यकर्ता के रूप में अब वो कार्य कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। फिलहाल प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।